हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीप संगीत माइती। आप सभी का स्वागत करता हूँ अनअकैडमी अकॉर्ड यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोगों को वो क्वेश्चन बहुत पसंद आया, बहुत मज़ा आया हुआ सॉल्व करने में। अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं हुआ है, चलिए उस क्वेश्चन का मैं सल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कल हमारा क्वेश्चन अपलोड हुआ था। सो मेरा नाम है दीप संगीत। आई हैव क्रैक गेट 5 टाइम्स, जिसमें से मैंने 3 टाइम्स गेट जो है 99.4% से ज़्यादा स्कोर किया है, एंड आई वॉज सेलेक्टेड टू वेरियस IITs विद दैट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन का सल्यूशन। ओके, सो चलो लेट स्टार्ट। सो ये हमारा क्वेश्चन था, राइट? दिस वॉज द क्वेश्चन जो कि पूछा गया था कल के सेशन में, कल 8 बजे जो आपका अपलोड हुआ था। सो देखिए, ये क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है? देखते हैं, पहले बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्या है? गियर बॉक्स। दिस इज अ गियर बॉक्स, और गियर बॉक्स के अंदर आपका क्या है? गियर ट्रेन। और ये जो आपका गियर ट्रेन है, इसको मैं बोलूंगा सिंपल गियर ट्रेन। इसको मैं बोलने वाला हूँ सिंपल गियर ट्रेन, राइट? दिस इज अ सिंपल गियर ट्रेन। ये हमारा एक सिंपल गियर ट्रेन है। तो अगर ये आपका सिंपल गियर ट्रेन है, तो देखो यहाँ से आपको देखो इनपुट मिल रहा है, एंड यहाँ से आपको एक आउटपुट मिल रहा है, ठीक है? यहाँ से आपको इनपुट मिल रहा है, दिस इज द इनपुट, और ये रहा आपका आउटपुट। ये हमको समझ में आ गया, दिस इज द आउटपुट गियर। ये आपका आउटपुट गियर है और ये आपका इनपुट गियर है। तो बताइए, अगर मैं मानता हूँ नो पावर लॉस, फॉर नो पावर लॉस कंडीशन, फॉर नो पावर लॉस कंडीशन, अगर कोई भी पावर लॉस नहीं हो रही है तो, फॉर नो पावर लॉस कंडीशन आई कैन राइट। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई नो द पावर फॉर्मूला इज टाउ ओमेगा, राइट? टाउ ओमेगा दैट इज टॉर्क इनटू ओमेगा, ये हमको पता है। सो अगर पावर लॉस नहीं हो रहा है, तो आपने जितना इनपुट में दिया उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। जितना आपने पावर इनपुट में दिया यहाँ से, उतना ही पावर आपको आउटपुट में मिलेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? टाउ इनपुट ओमेगा इनपुट प्लस टाउ आउटपुट ओमेगा आउटपुट इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर टाउ आई प्लस टाउ नॉट ओमेगा नॉट, ऐसे आपने क्यों लिखा है? अरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या होगा ना, अल्टीमेटली आपका टॉर्क का वैल्यू या ओमेगा का वैल्यू ना प्लस माइनस करके वो बैलेंस कर देगा। तो आपको बस इतना पता है, आई नो दैट अगर नो पावर लॉस हो रहा है, कोई भी पावर लॉस नहीं हो रहा है, देन आई कैन राइट लाइक दिस, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। प्लस माइनस का आप तो टेंशन ले ही मत लीजिए। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे जो भी है, मान लो ये जो आपका, ये जो एन है, दिस एन ए एन बी एंड एन सी, एन डी और ये एन सी, ये आपके ना नंबर ऑफ टिथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके? ये आपके नंबर ऑफ टिथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिज आर द नंबर ऑफ टिथ ऑन गियर ए, गियर बी, गियर सी एंड गियर डी। अब आगे समझने का कोशिश करिए, मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ टाउ इनपुट प्लस टाउ आउटपुट, ये आपका क्या मैं इक्वल्स टू जीरो लिख सकता हूँ? नो, आई कैन नॉट राइट दिस एज इक्वल्स टू जीरो। क्यों नहीं लिख सकता? क्यों नहीं लिख सकता? बिकॉज आपने जो इनपुट टॉर्क दिया है यहाँ पे, आपने जो यहाँ पे इनपुट टॉर्क दिया है, वही आपको सेम आउटपुट टॉर्क नहीं मिलने वाला। द आउटपुट टॉर्क विल बी डिफरेंट, द आउटपुट टॉर्क विल बी डिफरेंट, ठीक है? द आउटपुट टॉर्क डेफिनेटली डिफरेंट, नहीं तो हमारा गियर बॉक्स का काम क्या है भाई? गियर बॉक्स का काम क्या है? गियर बॉक्स का आपका काम क्या होता है? स्पीड को इंक्रीज करना या रिड्यूस करना, टॉर्क को इंक्रीज करना या रिड्यूस करना। भाई टॉर्क अगर इक्वल हो गया, अगर आपका ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, राइट? सो दिस शुड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर मान लो इक्वल्स टू जीरो हो गया, सो टाउ आई प्लस टाउ नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो देखो टाउ आई जो है आपका, उसका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ जा रहा है। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ जा रहा है, इनपुट एंड आउटपुट का। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं है गियर बॉक्स का। मत लगाओ भाई गियर बॉक्स, क्यों गियर बॉक्स लगा रहे हो? देयर इज ऑफ नो यूज। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? टाउ आई प्लस टाउ नॉट प्लस
टाउ जी बी मैं बोलूँगा, टाउ जी बी दिस शुड बी, अब मैं इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा टॉर्क ऐड कर देता हूँ, एक और एक्स्ट्रा टॉर्क ऐड कर देता हूँ, वो भी मे बी आपका नेगेटिव हो सकता है, मे बी पॉजिटिव हो सकता है, वो आपका मे बी नेगेटिव होगा मे बी पॉजिटिव होगा, लेकिन ओवरऑल जो है आपका जीरो होगा, ओवरऑल जो है वो आपका जीरो होगा। और ये टाउ जी बी क्या है, नेट टॉर्क ऑन दिस गेयर बॉक्स, जो आपका नेट टॉर्क आ रहा है, नेट टॉर्क, तो इनपुट में जो टॉर्क मिला एंड आउटपुट में जो टॉर्क मिला, ये आपका इनपुट है, ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है, इनपुट एंड आउटपुट में के जो टॉर्क का डिफरेंस है वही बेसिकली आपका टाउ जी बी होगा गियर बॉक्स। अगेन मैं बोल रहा हूँ प्लस माइनस का चिंता मत करिए, प्लस माइनस का चिंता मत करिए। सो व्हाट आई कैन राइट इन शॉर्ट, टाउ आई इनपुट में कौन है आपका, ए, गियर ए इनपुट में है ना, तो टाउ ए ओमेगा ए प्लस टाउ आउटपुट में कौन है, डी, आउटपुट में है डी, तो टाउ डी ओमेगा डी, ये इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इनपुट में है ए प्लस आउटपुट में कौन है आपका टाउ डी, ठीक है टाउ डी, लेट मी रब दिस वन, रुकिए वन सेकेंड, लेट मी रब दिस वन, एंड ये हो जाएगा आपका टाउ डी प्लस टाउ गियर बॉक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा है इक्वेशन नंबर टू। रिमेंबर वन थिंग, अगेन मैं बोल रहा हूँ आप लोग प्लस माइनस, तो ये आपका कहाँ से आया, ठीक है, प्लस माइनस का आप लोगों को बिल्कुल नहीं सोचना है, ये आपका नो पावर लॉस कंडीशन से आया, नो पावर लॉस कंडीशन, ठीक है। और ये वाला आपका कहाँ से आया बताइए, ये वाला आपका कहाँ से आया, ये वाला जो है आपका टाउ ए प्लस टाउ डी इज प्लस टाउ जी बी, क्योंकि हमको पता है टाउ ए एंड टाउ बी, मतलब क्योंकि टाउ ए प्लस टाउ डी कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, दैट्स वाई हमने एक एक्स्ट्रा टॉर्क लगाया टाउ जी बी, दैट इज टाउ गियर बॉक्स। टाउ जी बी क्या है आपका, लिख लेना, टाउ जी बी जो है नेट टॉर्क ऑन द गियर बॉक्स, ऑन द गियर बॉक्स। तो ये आप लोग नोट करके रख लिए, ये दोनों इक्वेशन से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है। तो आप वापस चलते हैं क्वेश्चन में, तो यही कंसेप्ट है बस, ये आपका सिंपल गियर ट्रेन के लिए यही कंसेप्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आज तक गेट में आया नहीं है, आ सकता है गेट एंड ईएससी में, ठीक है। देखो व्हाट इज द क्वेश्चन, देखो इनपुट टॉर्क आपको दिया हुआ है कितना, टाउ ए गिवन है आपको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 80 न्यूटन मीटर, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग सिंपल गियर ट्रेन, ये NA जो है इसका कोई भी यूनिट गिवन नहीं है, मतलब ये आपको क्या एज्यूम करना है कि ये आपका है नंबर ऑफ टिथ, और ये ND क्या है 100 है, ये भी क्या है आपका नंबर ऑफ टिथ ऑन D, क्योंकि इसमें कोई यूनिट नहीं है, तो आपको उसको नंबर ऑफ टिथ है, वो आपका नंबर ऑफ टिथ है, बिल्कुल उसको स्पीड से कंफ्यूज मत करना। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टिंग टॉर्क ऑन द गियर बॉक्स आपको कैलकुलेट करना है, मतलब टाउ जी बी आपको कैलकुलेट करना है, रेजिस्टिंग टॉर्क ऑन द गियर बॉक्स, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो ये नेट टॉर्क लग रहा है, मैं इसको तो ये भी बोल सकता हूँ ना, ये बेसिकली क्या होगा नेट टॉर्क टाउ जी बी, जो इन दोनों का मे बी डिफरेंस होगा या मे बी सम अप होगा, जो भी वॉट एवर, ठीक है। तो ये जो टॉर्क है ये आपका टाउ जी बी, अगर मैं अप्लाई कर दूं टाउ जी बी, अगर मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ इस पर्टिकुलर गियर बॉक्स में, तो वो आपका रेजिस्टिंग टॉर्क के बारे में बात कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टिंग टॉर्क ऑन द गियर बॉक्स दैट इज टाउ जी बी, मतलब मैं कितना टॉर्क लगाऊं, कितना टॉर्क लगाऊं रेजिस्टिंग टॉर्क, ताकि ये जो आपका पूरा गियर बॉक्स है उसको मैं रेस्ट कर सकूं, उसमें टॉर्क जो है पूरा नेट टॉर्क को मैं जीरो कर सकूं, ये आपको पूछ रहा है, नेट टॉर्क को जीरो कर सकूं, तो आपको टाउ जी बी के बारे में पूछा है। तो बस चलिए देख लेते हैं, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। आपको देखो NA ND गिवन है, ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू, NA बाई ND इज इक्वल्स टू, ठीक है, NA बाई ND, नॉट NA बाई ND, जस्ट अ सेकेंड, देखो यहां पे मैं सोल्यूशन के सामने, यहीं पे मैं सोल्यूशन बना देता हूं, यस, सो व्हाट आई कैन राइट, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा A बाई ओमेगा D इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट, ये आप लोगों को ट्रांसमिशन पता ही है, एन डी बाई एन सी, ठीक है, देखो डी जो है
सी के साथ ये किया हुआ है एक्सटर्नली है, तो माइनस इंटू सी जो है बी के साथ है, सो एन सी बाई एन बी माइनस फिर बी जो है ए के साथ मेश है, तो माइनस एन बी बाई एन ए, और माइनस साइन क्यों, क्योंकि ऑल आर एक्सटर्नली कनेक्टेड, ऑल आर एक्सटर्नली मेश्ड, तो यहाँ से एन सी कैंसिल, एन बी कैंसिल, तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, ओमेगा ए बाई ओमेगा डी इज इक्वल टू माइनस एन ए बाई, रुकिए वन सेकेंड, लेट मी रब दिस वन, सो ये हो जाएगा आपका एन डी बाई एन ए, और ये आपका नंबर ऑफ टेथ है, दिस इज योर नंबर ऑफ टेथ, तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करो। अच्छा एक और चीज, वन मोर थिंग, तो यहां से इफ आई पुट द वैल्यू हियर, ठीक है, अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करता हूं, देखो ये क्या है आपका टाऊ ए ओमेगा ए प्लस टाऊ डी ओमेगा डी इज इक्वल्स टू जीरो, सो टाऊ ए की वैल्यू देखो कितनी है, टाऊ ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हाउ मच इट इज 80 गिवन है, तो 80 पुट कर दीजिए, 80 प्लस में पुट करो, साइन वाइन का चक्कर मत पालिए, ठीक है, 80 आपका काउंटर क्लॉकवाइज दिया हुआ है, काउंटर क्लॉकवाइज टाउ ए की वैल्यू, देखो आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें कुछ एंड पे मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्ट बताऊंगा जो कि आप लोगों को सिली मिस्टेक करवा सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ये हो जाएगा आपका ओमेगा ए प्लस टाउ डी की वैल्यू मेरे को नहीं पता है, ओमेगा डी की वैल्यू भी मेरे को नहीं पता है इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे मैं एन डी की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, एन डी जो है 100 है, तो यहाँ पे माइनस 100 और एन ए की वैल्यू 10, सो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा ए इज इक्वल्स टू माइनस 10 ओमेगा डी, ओमेगा ए इज इक्वल्स टू माइनस 10 ओमेगा डी, तो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दीजिए 80 इंटू माइनस 10 ओमेगा डी प्लस टाउ डी ओमेगा डी इक्वल्स टू जीरो, सो ओमेगा डी कैंसिल हो जाएगा बाहर जाके, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, देखो टाउ डी इज इक्वल्स टू आ रहा है 800 न्यूटन मीटर, टाउ डी आ गया, टाउ ए आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये जो आपका सेकेंड इक्वेशन था इसमें पुट कर दीजिए, टाउ ए की वैल्यू कितनी है आपका 80 प्लस टाउ डी की वैल्यू कितनी है आपका 800 प्लस टाउ जी बी इज इक्वल्स टू जीरो, सो टाउ जी बी की वैल्यू आ गई देखो माइनस 880 माइनस 880, तो मतलब माइनस 880, इसका मतलब क्या है, आपने यहाँ पे जो टॉर्क है देखो क्या था, ये काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये भी काउंटर क्लॉकवाइज ही आया है, तो ये दोनों काउंटर क्लॉकवाइज आए हैं, तो आपको एक ये माइनस में आया है, देखो ये पॉजिटिव में था तो काउंटर क्लॉकवाइज लिया था, हमने पॉजिटिव में पुट किया था ना यहाँ पे, ये भी देखो टाउ डी को मैंने पॉजिटिव में पुट किया था तो काउंटर क्लॉकवाइज लेंगे, तो अगर ये माइनस में आया है तो ये क्लॉकवाइज होगा, सो टाउ जी बी आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा ताकि इसका जो यही आपका इसका रेजिस्टिंग टॉर्क होगा, और इसी से मैं इस गियर बॉक्स को रेजिस्ट कर सकता हूं, जिसमें मैं ये मान सकता हूं कि नेट टॉर्क आपका जीरो हो जाएगा, नेट टॉर्क ही आपका रेजिस्टिंग टॉर्क होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत मजा आया, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है सो दिस इज द फाइनल आंसर, ओके दिस इज द फाइनल आंसर 880। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत मज़ा आया, आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा डाउट है यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो दिस टेलीग्राम चैनल, ओके। सो जैसे कि मैं प्लस में भी पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी प्लस में, अगर आप लोग मेरे फुल कोर्सेज, फुल फ्लेज कोर्सेज, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीन डिज़ाइन, ये सब्जेक्ट्स मैं बेसिकली इस साल लेने वाला हूँ, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो यू आर मोस्ट वेलकम टू द अनअकैडमी प्लस। आप लोगों को DSMYT ये कोड को मत भूलिएगा, DSMYT ये कोड यूज करना है, आपको 10% ऑफर मिल जाएगा। अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो 30,000 का है, लेकिन मेरा कोड यूज करोगे तो आप लोगों को 10% ऑफर मिल जाएगा, दैट इज 27,000। एंड अगर आपके पास, आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया, जल्द से जल्द अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और उसमें जाके तुरंत सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे ना, तो उसमें आप लोग जितना ज़्यादा, उसमें क्या आप लोग फ्री स्पेशल क्लासेस भी मैं लेता हूँ, तो आप लोगों को फ्री स्पेशल क्लासेस को भी
देख सकते हैं, आई बात समझ में। तो फ्री स्पेशल क्लासेस देखिए, आपको ना एक मिलेगा क्रेडिट पॉइंट्स, जितना ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट्स होगा उतना आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये तो आपका 10% एक्स्ट्रा है ही, 10% है ही, मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आपके पास क्रेडिट पॉइंट्स होंगे तो। तो आइए वन अकेडमी प्लस में, आप लोगों का अक्टूबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर कुछ डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर पूछिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ज्वाइन द अन अकेडमी प्लस, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू।